वेलकम टू माय चैनल सुनीता खाना खजाना। मैं आज आपके लिए लाई हूँ ब्रेड मलाई रोल, और यह ब्रेड मलाई रोल अगर आप एक बार खाएंगे तो बाहर की मिठाई खाना भूल जाएंगे। आपने अगर मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना। कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये मेरे मलाई रोल आपको कैसे लगे। इसके लिए हमें चाहिए, ये हमारे पास 6 से 7 ब्रेड हैं, और ये चीनी है, और काजू पिस्ता बादाम है, और ये इलायची है, जब हम इसका पाउडर बनाएंगे, और ये नारियल का बुरादा है, और ये हमारे पास मिल्क पाउडर है। काजू बादाम को हमने काट के रख लिया है। अब हम दूध लेंगे और दूध को बॉईल होने के लिए रखेंगे। आधा लीटर के हिसाब से हम दूध लेंगे, जितनी आपकी ब्रेड है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब हम इसे बॉईल करेंगे, करीबन आधा घंटे तक हमें इसे बॉईल करना है, जब तक ये हमारा दूध हाफ ना हो जाए। हम इसको बॉईल करते रहेंगे और बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे। अब इसमें उबाल आएगा जब हम इसको चलाना शुरू करेंगे। अब हमारे दूध में बॉईल आ गया है। अब हम इसे थोड़ा बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसको जब तक हाफ हो जाए हमारा, जब तक हम इसे बॉईल करते रहेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमारा दूध बिल्कुल हाफ हो गया है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। हमने इसमें 3 से 4 चम्मच चीनी ली है। हमारी चीनी बॉईल हो जाती है। ये हम इलायची पाउडर डालेंगे। और अब हम इसमें 2 चम्मच अपना मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर डालने के बाद हम इसे चलाएंगे ताकि हमारे लम्स नहीं बने। अब हम इसमें काजू बादाम डालेंगे और इसको बॉईल करेंगे। अब हम इसमें से हाफ बैटर अपना निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। हमने इसको हाफ को निकाल दिया है और अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं फ्रिज में। और अब हमारा बाकी बचा हुआ मिल्क पाउडर भी डाल देते हैं। ये हमने 5 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। और हम इसको अच्छे से चलाएंगे। अब हम इसमें, हमारा बैटर गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच नारियल का बुरादा मिलाएंगे। हमें गैस कम ही रखनी है क्योंकि अब हमारा मावा करीब करीब तैयार हो गया है। अब ये हमारा मावा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसे गैस से उतारेंगे। अब हम अपने मावे को एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा जल्दी से हो जाए। इसको हम ठंडा करेंगे। इतने हम अपने ब्रेड तैयार कर लेते हैं। अब हम इसे काटेंगे इसकी किनारियों को।
किनारियों को हमें कट करना है। अब हमारी किनारियां चारों तरफ से साफ हो गई हैं। अब हम इसे बेलन से धीरे धीरे बेलेंगे और इसको बड़ा करेंगे थोड़ा ब्रेड को। हमारी ब्रेड इतनी बड़ी हो जाएगी। अब हम सभी ब्रेडों को इसमें रख लेंगे बना बना के। अब दूसरी ब्रेड लेंगे, उसको भी हम कुछ इस तरीके से ही काटेंगे। अब हमारा मावा भी ठंडा हो गया है बिल्कुल। अब हम इसे ब्रेड में रोल करेंगे डाल के। अब हमने इसमें अपना मावा डाल दिया है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। अभी हमारा फोल्ड हो गया है। अब हम इसे ऐसे रखते हुए जाएंगे और सभी ब्रेडों को हम इसमें रोल कर लेंगे मावा लगा लगा के। अब हमने सभी ब्रेडों को रोल कर लिया है और अब हम अपने ये जो हमने बीच में निकाला था गाढ़ा हुआ दूध, अभी हम इसको इसमें डाल देंगे सभी ब्रेड के ऊपर। हमें इतना डालना है कि हमारे सभी ब्रेड इसमें कोट हो जाएं, और हमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी डालना है ताकि नीचे तक इसमें पहुंच जाए। अब हमने 2 चम्मच दूध में ठंडे में हमने केसर भिगो के रखी थी, अब हम इसको डालेंगे। अब हम पिस्ता से इसकी गार्निशिंग करेंगे। थोड़े काजू भी डालेंगे। अब ये हमारे सारे मलाई रोल बनके रेडी हैं। आप भी बनाएं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें।